लो जी, गुड मॉर्निंग और जय माता दी। तो आज का व्लॉग है गाड़ी से शुरू, साथ में है अपना भाई सन्नी रॉकस्टार। तो गाइस आज कुछ सरप्राइज है, तो हम कहीं जा रहे हैं और आपको शाम तक ही पता लगेगा कि वो है क्या, लेकिन कुछ स्पेशल चीज़ लेने जा रहे हैं जो हम बहुत ही जो वैल्यू रखेगी अपने जो ये व्लॉग वाले डेली व्लॉग चल रहे हैं उसमें। तो हर एक व्लॉगर का एक्चुअली एक आप ये कह लो कि सबसे पहला जो स्टेप है वो यही होता है कि वो इस चीज़ को लेके आता है अपने रूटीन में, ठीक है, इस प्रोडक्ट को पर्टिकुलरली, चाहे वो छोटा स्टार्टिंग कर रहा हो कोई व्लॉगर या जो इतने भी बड़े लेवल के व्लॉगर हैं, तो उन सबका एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है, ठीक है। तो वो आज हम लेने जा रहे हैं, शाम को आपको दिखाएंगे कि पिटारा जो अपना जादू है उसमें से क्या निकलने वाला है। सो लेट्स गो, जय गणपति बप्पा। तो जी अभी आए हैं लोकेशन पे जहाँ से कुछ मिलेगा आपको, शायद लोकेशन देख के आइडिया नहीं होगा जो चीज़ हम लेने आए हैं, ठीक है। इधर ना बहस है जो कर रही है स्वागत, तो गांव का फुल टच आने वाला है। लोकेशन से लग गया मैं सही चीज लेने आया हूं। लेकिन जब चीज़ आपको दिखेगी तो आप सोचोगे आई ये कैसे हुआ भाई। ऑलराइट, तो गाइस इसमें ना बवाल है भाई। जनरली बता रहा हूँ बवाल है ये, तो घर जाके दिखाऊंगा ये बवाल है क्या। तो फाइनली चलते हैं, लेट्स गो। और गाँव में भाई बढ़िया, तो यहाँ से हमने ये चीज़ ली है और चीज़ जब आपको दिखेगी तो मज़ा आ जाएगा। रास्ते में ना ये ब्यूटीफुल नज़ारा दिख रहा था, ये देखो इस तरफ आपको ग्रीनरी और क्या बोलेंगे येलोरी। तो ये नज़र आएगी। और भाई अपने साइड में है गन्ने का खेत देखो, तो ये चीज़ें आपको हरियाणा पंजाब में देखने को मिलती हैं मोस्टली, जो ये ब्यूटी है रोड की जो क्वालिटी है ना यार, मतलब क्वालिटी इन द सेंस जो व्यू की मैं बात कर रहा हूँ वो अपने आप इन्हेंस हो गया। साइड में देखो एक तरफ गन्ने की फसल है और एक तरफ ये सरसों वाली ये फूल लगे हैं पीले पीले अपने प्यारे। तो चलो चलते हैं घर, लेट्स गो। आ गए हूँ यार, मैं पहुँच चुका हूँ फाइनली इसके साथ, और अब ऊपर चल के आपको दिखाता हूँ कि इसमें है क्या। अरे भाई क्या ही बताऊँ, सच्ची में एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा। मुझे नहीं पता आपको एक्साइटमेंट दिख रही है नहीं दिख रही है, लेकिन मैं हूँ अंदर से हूँ भाई एक्साइटेड। मैं बड़ी मेहनत की है इस दिन के लिए, और हर एक जो भी लोग यू नो व्लॉग्स में हैं या यूट्यूब, अपने आप को यूट्यूबर तो क्या ही कहूँ क्योंकि अभी इतना फेमस हुआ नहीं कि भाई मैं ये कहूँ कि मैं यूट्यूबर हूँ, लेकिन हाँ यूट्यूब पे जो भी थोड़ा बहुत काम करते हैं तो उनके बकेट लिस्ट होती है कि ये चीज़ होनी चाहिए उनके पास। सो लेट्स गो इनसाइड एंड सी इसमें क्या है। तो यार जो मैं आपको दिखाने और बताने वाला था वो है ये यार, आप देखो फाइनली अपने पास आ चुका है गाइज GoPro का लेटेस्ट वर्जन, हीरो GoPro 11 ब्लैक कलर में यार। और सबसे पहले भगवान जी के चरणों में, माता रानी के चरणों में रखा है ताकि हम इससे अच्छा अच्छा शूट करें, ठीक है जी। और भाई एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली मेरी बकेट लिस्ट में ये आ चुका है आज। सो आई लव दिस एंड बहुत वेट किया यार इस चीज़ के लिए, तो बहुत मेहनत किया तो फाइनली ये पॉसिबल हो पाया खैर। एंड अब इससे शूट क्या करेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें मज़ेदार नई नई वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। इसका एक जो प्रॉपर अनबॉक्सिंग का वीडियो है वो मैं कल बनाऊंगा, ठीक है ना। और इसको ना मैंने एक्सेसरीज़ के साथ मंगवाया है तो आपको कल दिखाऊंगा डिटेल में। बट यस थैंक्स टू गॉड, भगवान जी का धन्यवाद कि फाइनली ये चीज़ अपने पास आ गई है, तो कल आपको दिखाऊंगा मैं डिटेल में। एंड अभी अभी आया हूँ तो अभी 2 बजने वाले हैं खैर,
तो देखते हैं बाकी का दिन आज कैसे जाता है। आज थोड़ा रनिंग पे भी चलेंगे शाम को, और आप भी अपना ध्यान रखिए, और अब मज़ा आने वाला है वीडियोस में। यस, तो यार फाइनली वो दिन चले गए जब अब मैं मेरा iPhone 7 जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, उसने बहुत साथ दिया यार बेचारे ने, थैंक गॉड। और iPhone का भी धन्यवाद है, क्योंकि भाई एप्पल की जो क्वालिटी है उसकी वजह से ही जो अभी भी वीडियोज़ हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी की आती है, और मैं 7 से शूट करता हूँ। तो अब यह कि थैंकफुली अब GoPro आ गया, तो इससे और अच्छी क्वालिटीज़ की वीडियो आएंगी। और बस अब आपको यही करना है यार, मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ, तो मेरी वीडियोस को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करवाओ भाई। अब और बढ़िया बढ़िया काम करेंगे, अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएंगे, शॉर्ट्स आपको दिखाएंगे बढ़िया इससे, ठीक है? तो टेक केयर, तो शाम को चलेंगे फिर रनिंग। तो गाइस मैं और अनिल भैया आज बांट रहे हैं कार्ड, क्योंकि बाबा शाम का कीर्तन है और बाबा जी कृपा से तो कुछ काम कर रहे हैं हम लोग, और ये इनविटेशन कार्ड सबको दिए जा रहे हैं। मज़ा आएगा भाई, 29 तारीख को बाबा जी की कृपा होएगी, ज़बरदस्त रंग बरसने वाला, फुल मज़ा आने वाला कीर्तन में। खैर करते हैं थोड़ी सी सेवा। जय श्री श्याम, जय भोलेनाथ। हम आ गए थे मयंक भाई के पास, तो फाइनली ये लो जी बाबा श्याम जी की तरफ से इनविटेशन है मयंक भाई को, तो लेट्स गो। ठीक है भाई, अब किसके चलना अपन है? हाँ जी, तो मैं फाइनली आ चुका हूँ घर, और भाई कार्ड वगैरह सब डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, और आपने देख ही लिया था वीडियो में, साहिल भाई से भी मिले थे अपने भाई से, तो काफ़ी लोगों को इनवाइट किया, तो मज़ा आने वाला है जो 29 तारीख को बाबा श्याम का कीर्तन होगा। और भाई तो आज मैं वैसे भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि GoPro ले आया हूँ मैं। आप बोलोगे यार क्या सो वैसे GoPro हो रही है, लेकिन भाई जेन्युइनली बड़ा मज़ा आता है, खुशी होती है जब कुछ, चाहे छोटी सी भी अचीवमेंट है ना, वो होती है इंसान को तो अच्छा लगता है। अचीवमेंट तो क्या, बट यस कुछ एक चीज़ काइंड ऑफ आप कह सकते हो, जैसे जनरली हम लोग मोबाइल लेते हैं, तो यार ठीक है, तो इसकी भी एक अपनी खुशी है, ठीक है। तो खैर था दिन बढ़िया काफ़ी, और मुझे ये लगता है यार कि हर चीज़ जो भी हम करते हैं तो हमें ना उसके अंदर पॉजिटिविटी देखनी चाहिए, और ये एक नज़रिया है जो हमें बनाना चाहिए, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखना यार, क्योंकि नेगेटिव सिचुएशन को भी पॉजिटिव तरीके से देखना एक टास्क है, अपने आप में कला है, और वो मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस से हो जाता है वो, ठीक है, आसान भी नहीं है, बट यस एक नज़रिया पॉजिटिव करना एक प्रैक्टिस से आ जाता है, तो उसके लिए हम सबको ट्राई करते रहना चाहिए, और मेडिटेशन ज़रूर करनी चाहिए, एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, उससे हमें फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ मिलती है। खैर रखिए अपना ध्यान, और भाई एक हाईलाइट छोटी सी आपने देख ही ली थी कि भाई कोई एक्चुअली रोड पे हम किसी को कार्ड देने जा रहे थे, तो देखा मुझे यार एक बंदा और घोड़ी पे बैठा हुआ बेचारा, आई एम सॉरी बेचारा मतलब मैं मतलब बेचारा मैं नहीं बोला, मतलब एक बंदा घोड़ी पे बैठा हुआ था, उसकी शादी थी आज, तो मैंने कहा वो भी आपको दिखा दूँ कि भाई फाइनली उसकी शादी है, भगवान उसको शक्ति दे शादी। चलो अपना ध्यान रखिए आप, गुड नाइट, और कल होगी भाई GoPro की अनबॉक्सिंग, मैं कोशिश करूँगा कि एक एक चीज़ अच्छे से बता पाऊँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मुझे खुद नहीं पता, मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगा, तो थोड़ा स्टडी करूँगा, खैर आपको अनबॉक्सिंग कल पक्का दिखाऊँगा, ठीक है जी, सी यू, गुड नाइट।